सुशांत सिंह राजपूत केस में हर रोज नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में पहुंच गई है। रिया को ईडी ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया। वो सिर पर सफेद दुपट्टा ओढ़े नजर आई। रिया के पिता और भाई भी उनके साथ ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। मालूम हो कि सुशांत मामले में ईडी ने रिया चक्रवर्ती को 7 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन रिया ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होने की अपील की थी। रिया ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद वो आएंगी, लेकिन अपील को ईडी ने खारिज कर दिया था, इसीलिए रिया ईडी के ऑफिस में पहुंची है। रिया के साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी मौजूद हैं। ईडी की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। खबरें हैं कि शौविक सुशांत की 2 कंपनियों में डायरेक्टर भी हैं। वहीं सीबीआई ने भी इस केस में जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में रिया के पिता, भाई और मां का नाम भी शामिल है। बता दें कि बिहार सरकार की सीबीआई की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद अब मामला सीबीआई के हाथों में चला गया। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में फिर से प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई ने बिहार पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली। एजेंसी ने अभिनेता की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के खिलाफ कथित तौर पर आपराधिक षड्यंत्र और आत्महत्या के लिए उकसाने की खातिर पटना पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को फिर से दर्ज किया है। यह जानकारी गुरुवार को अधिकारियों ने दी। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक नुपुर प्रसाद के नेतृत्व में विशेष जांच दल इसकी जांच करेगा और इसकी निगरानी डीआईजी गगनदीप गंभीर और संयुक्त निदेशक मनोज शशिधर करेंगे। सूत्रों ने बताया कि रोजाना आधार पर एजेंसी में शीर्ष स्तर पर इस मामले की निगरानी होगी। पटना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी, जो कथित आपराधिक षड्यंत्र, ठगी और आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ी हुई थी। रिया चक्रवर्ती मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में पहुंची। ईडी ने उनके पहले अनुरोध को खारिज कर दिया था कि उनके बयान की रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक के लिए टाल दिए जाए। भाजपा विधायक और सुशांत सिंह राजपूत के एक रिश्तेदार नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि रिया चक्रवर्ती अगर निर्दोष है तो जांच से भागना नहीं चाहिए, उन्हें सबूत पेश करने चाहिए। हम इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।